वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी प्राइमरीली दो एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जिनमें से नंबर एक है हमारा वेरिएबल्स और दूसरे हैं कमेंट्स। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स और कमेंट्स लिख देता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ। वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी आता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जल्दी से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाऊँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स मैं सबके लिए रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के पेशेंस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंट रहें और मुझे स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ाने दें। उसी के साथ साथ आप में से कई लोग कह रहे हैं कंप्यूटर पर क्यों नहीं जा रहे, प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर रहे, बोर्ड पर क्यों खड़े हुए हैं। तो आप प्लीज़ कुछ एक दो वीडियोज़ आपको सिंपल लगेंगे, हो सकता है मैक्स टू मैक्स आपको 5 वीडियो सिंपल लगे, उसके बाद आपको डेफिनेटली नया कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आपका पेशेंस यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा। वेरिएबल्स और कमेंट्स बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और वो क्या चीज़ है उसका नाम बता दूँ, वो है लो लेवल और हाई लेवल क्या चीज़ होती है। अब एक होता है हमारे पास लो लेवल, एक है हमारे पास हाई लेवल। और कई लोग बोलते हैं कि ये डिफरेंस क्या है, मतलब कोई कह देता है कि भाई लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, इस तरह के जिक्र आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है आज आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो आप google.com पे जाते हो, हम में से सब लोग जाते हैं, google.com वेबसाइट है, सर्च इंजन है, हम जाते हैं चीज़ें सर्च करते हैं वहाँ पर। तो हम जब सर्च करते हैं तो हमें जो है हमने क्वेरी दी गूगल को, और गूगल हमें क्या देता है, गूगल हमें रिटर्न में वो पेजेस देता है जो हमारे क्वेरी से रेलेवेंट है। तो ये चीज़ हमको गूगल बहुत हाई लेवल पे करके देता है। लेकिन अगर मैं लो लेवल पे जाऊँ, यानी कि गूगल के सर्वर के अंदर जाऊँ, वो लो लेवल हो गई, और उसके भी अंदर जाऊँ, उसके भी अंदर जाऊँ, अंदर 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 जाते जाते सब कुछ जीरो और वन की कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है। ये सारा का सारा जो डेटा प्रोसेस करती है गूगल, वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं, जो टेक्स्ट हमको दिखता है, जो स्ट्रिंग हमको दिखती है, इवन जो फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं, वो सारे जीरोस और वंस के कुछ कॉम्बिनेशंस ही हैं। ये बस डेटा है जो कि हमें इस फॉर्म में दिखाई दे देता है। ये सिर्फ ब्यूटी है हमारे कंप्यूटर की, और ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है लो लेवल लेयर के ऊपर, जो कि हमें इस तरह डेटा प्रतीत होता हुआ दिखाती है, ठीक है। तो लो लेवल की अगर बात करूं तो हार्डवेयर के नज़दीक, लो लेवल का मतलब कुछ नहीं है, बस हार्डवेयर के नज़दीक, के नज़दीक लिख लेता हूं NAZ। और ये जो हमारा हाई लेवल है, ये कितना जो चीज़ हो रही है, जैसे कि ये जो सर्च था हमारा, ये होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हार्डवेयर से जितना दूर, यानी कि लॉजिकल लेवल पे लॉजिकली साउंड लिख देता हूँ, यानी कि लॉजिकली जो चीज़ आपको साउंड दिख रही है ऊपर ऊपर से, और हार्डवेयर से दूर। और ये बहुत ही, मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हार्डवेयर से दूर, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि समझ में आ जाए। लो लेवल हाई लेवल की डेफिनेशन गूगल सर्च कर लेना, मिल जाएगी बड़ी सी कोई, उसको याद कर लेना, लिख के आ जाना एग्जाम में, ये नहीं चलेगा एग्जाम में। लेकिन ये अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तब आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हार्डवेयर के नज़दीक जितना जाता जाता है वो लो लेवल है। अब जैसे C++ और C लैंग्वेज है, इनको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये हार्डवेयर से बहुत नज़दीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत नज़दीक से आप लोग कर सकते हो, मेमोरी पूरी हाथ में है आपके, अपने हिसाब से मैनेज करो। उसी के साथ जो सिस्टम की रिसोर्सेज हैं वो आपके हाथ में हैं, अपने हिसाब से आप लोग उसको यूज़ करो। तो ये लो लेवल और हाई लेवल बताना चाहता था बस। और ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को जो मैंने बोर्ड में लिखा वो चाहिए तो आप वीडियो पीछा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बारे में बात करता हूँ, वो है हमारा क्या, वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करता हूँ, और कमेंट्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, और आप लोग भी सोचोगे यार इतने ही सिंपल थे, बस वेरिएबल समझ लेते क्या है। प्रोग्रामिंग बिगिनर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर है वो लो लेवल पर सब कुछ नंबर्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर को हैरी बोलूँ या कोड विद हैरी बोलूँ तो वो नहीं समझ पाएगा डायरेक्टली। कुछ लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैंने हैरी बोला कंप्यूटर को, हैरी टूटेगा HARRY में, H टूटेगा 0017, मैं सिर्फ बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 00101 मान लो, और A मान लो रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे 10110, जस्ट एज्यूमिंग ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो एंड में है सब कुछ नीचे 01 में ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ अभी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सब कुछ नंबर्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है। अब हम लोगों को एक थोड़ा सा एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, और वो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो मैं बोले जा रहा हूँ बार बार इस वीडियो में, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि लो लेवल से एक कदम ऊपर,
उससे एक कदम ऊपर, और सबसे ऊपर क्या है, हाई लेवल, ठीक है। उस हाई लेवल से अगर मैं देखूँ तो मैं मुझे लग रहा है मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ, गूगल मुझे बता रहा है। उस हाई लेवल में मैं चैटबॉट से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। और लो लेवल पर लेकिन क्या हो रहा है, लो लेवल पर वही हो रहा है, कंप्यूटेशन 0101 01, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, जो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं वो बस बहुत फास्ट होते जा रहे हैं, मशीन यही करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमें बनाने के लिए C++ में कुछ सिंटैक्स दिया गया। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, कंटेनर्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स टू स्टोर योर डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एनालॉजी दूंगा, और वो एनालॉजी क्या है, मान लो आप लोगों को पानी स्टोर करना है अपने घर में, तो आप एक टैंकर में स्टोर करते हो, ठीक है, ये वाटर स्टोर करने का। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा चीनी का बूरा होता है वो कहाँ स्टोर करोगे, एक डब्बे में स्टोर करोगे, उसका डिफरेंट कंटेनर होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बहुत सारे चावल हैं उनको स्टोर करना है, तो उसका एक बड़ा ड्रम, शायद आप लोग इस शेप का आप लोगों ने देखा होगा, अगर तो मुझे बताना कॉमेंट करके, ये इस तरह का जो राइस का ड्रम है जिसमें यहाँ पर एक दरवाज़ा भी होता है, अगर देखा हो तो ज़रूर बताना कॉमेंट में, ठीक है। इस तरह का ड्रम है वो ले आएंगे। फिर पानी की बात करें तो पानी की बॉटल्स होती हैं, वो उसका एक अलग शेप होता है, और अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर की जाती हैं। तो कंटेनर का एक टाइप होता है, ठीक है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी, यानी कि C++ में भी हमारे पास कंटेनर का टाइप होता है। अब C++ में हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंट डेटा टाइप होता है, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है। इंट में क्या होता है, इंटीजर्स आते हैं आपके, जैसे -1 0 1। फ्लोट में क्या आते हैं, जो हमारे 0.11 इस टाइप के, अगर हमको कुछ वैल्यूज़ डालनी है तो हम वो डाल सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स हम लोग डाल सकते हैं कुछ इस तरह के C B, इस तरह के कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम लोग डेटा टाइप्स को बहुत डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि काम में आते हैं, और वही डेटा है जिस पर जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है। C++ एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल पर आप लोगों को एक जरिया देता है, जिसमें कि आप लोग अपने जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको इंटीजर, फ्लोट, कैर और डबल, इस तरह के जो बूलियन कैरेक्टर्स हैं उनमें आप दर्शा सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं C++ में होते हैं, बट अभी आप सिर्फ आइडिया समझना कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है और क्यों बनाई जाती है। जैसे मैं अगर एक वेरिएबल में डाल दूँ 1 और एक वेरिएबल में डाल दूँ 2, तो ए में आ गया 1, बी में आ गया 2, और मैं इनमें A+B ऑपरेशन अब लगा सकता हूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर को 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम दे सकता हूँ, अपने कंप्यूटर को 2 नंबर ऐड करने का टास्क दे सकता हूँ, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर उसको बहुत फास्ट करेगा। और इस तरह के मैं अगर 1 मिलियन टास्क दूंगा तो मुझे कुछ पलों में वो मुझे रिजल्ट रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं वो इंसान से बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये जो तरीके मैंने आपको बताए वेरिएबल्स वगैरह, ये तरीका है हमारे लिए कंप्यूटर से बात करने का कि ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स का आइडिया। अब कॉमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉमेंट्स क्या होते हैं, कॉमेंट्स बस आप लोगों को, जैसे मान लो आपने कोड लिखा इंट मेन, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इंट मेन लिखा, अब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाए A=3, मैं आप लोगों को ये पूरा सिंटेक्स सही से बताऊंगा, इंट B=4 और मान लो फ्लोट C=3.1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर मैं कमेंट लगा सकता हूँ, और मैं कमेंट लगाकर ये बोल सकता हूँ कि ये मैंने वेरिएबल क्यों बनाए, दिस इज क्रिएटेड, मान लो मैं लिखता हूँ दिस इज क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग एरियाज, ठीक है। मान लो 3 ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज में स्टोर करना चाहता हूँ फॉर सम रीजन, मान लो मैं बस आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान लो कुछ डायमेंशन हम स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, यानी कि मैं कॉमेंट लगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस लाइन को कुछ ये सिंटेक्स दे के लिखूंगा, यानी कि मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिख दिया इसको, तो मेरा जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर मारेगा। अगर ये मैं नहीं लगाता यहाँ पर डबल स्लैश, तब क्या होता, तो वो कोशिश करता है इसको समझने की, जैसे कि वो इसको समझता है, इसको समझता है, इसको समझता है, तो दिस इज़ क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग एरियाज, जो लाइन मैंने लिखी है उसको समझने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो समझे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ जानकारी के तौर पर अपने प्रोग्राम में डाला है। हो सकता है मैं ये डाल सकता हूँ जानकारी के तौर पर अपने प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम कब बना है, मैं ये डाल सकता हूँ जानकारी के तौर पर ये प्रोग्राम किसने बनाया है, मैं ये डाल सकता हूँ जानकारी के तौर पर कि ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, किस गिट में पुश किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं डालूंगा अपने कमेंट के तौर पे, मैं डाल सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए हम जो है कमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
अब ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि मैं डबल स्लैश लगा के कमेंट लिख सकता हूँ। लेकिन क्या करूँगा मैं अगर मुझे बहुत लंबे लंबे कमेंट्स लिखने पड़ गए, यानी कि मुझे मान लो 30 लाइन्स का कमेंट लिखना है, तो क्या मैं सब में ऐसे ऐसे करूँगा? हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ ऐसे ऐसे सारी लाइन्स में और अपना यहाँ पर टेक्स्ट लिखता जाता हूँ। लेकिन उससे भी अच्छा एक तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से मैं इनके बीच में इनक्लोज कर सकता हूँ अपने जो भी टेक्स्ट है मेरा, जिसको भी मैं कमेंट बनाना चाहता हूँ उसको। और यहाँ पर शायद ही आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये मैंने किस तरह कमेंट बनाया और ये किस तरह एग्जीक्यूट नहीं होता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट क्या है, सिंगल लाइन कमेंट क्या है। तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और वहाँ पर देखते हैं वेरिएबल्स क्या है, कॉमेंट्स क्या है, सिंगल लाइन कॉमेंट कैसे बनाते हैं और मल्टीपल लाइन कॉमेंट्स किस तरह बनाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा tut3.cpp, और मैंने गलती से इसको cp रख दिया, तो मैं F2 दबा के इसको रीनेम करूंगा, cpp करना है मुझे, आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा हैश इंक्लूड और लिखूंगा iostream, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा int main, जल्दी से कंप्लीट करूंगा प्रोग्राम, रिटर्न और 0, और फिर उसके बाद सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैं cout लिख देता हूँ और इस तरह से मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, और उसी के साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस लिख देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पर std cout नहीं लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये वो प्रोग्राम है जो कि मैंने लिखा। अब मैंने आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं कि दिस प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाय कोड विद हैरी ऑन, सिर्फ इतना लिखता हूँ अभी, और अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, तब यहाँ पर देखो ये एरर आ रहा है। ये मुझसे ये कह रहा है बेसिकली कि दिस प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाय कोड विद हैरी क्या है, ये सिंटेक्स मैं नहीं जानता, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो कमेंट है, ये जो लाइन है, ये मैं डालना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम चल भी जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। और अभी इसने क्या किया है, इस लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट करेगा, यानी कि इस लाइन को कुछ इस तरह से ट्रीट करेगा कि ये इग्नोर कर देगा हमारा कंपाइलर। और ये देखो, अब मैं चलाऊंगा अपने प्रोग्राम को तो सक्सेसफुली हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में कुछ लाइंस डाल सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारी एक लाइन की नहीं, मल्टीपल लाइन की भी हो सकती है। अब मैं अगर कुछ इस तरह से लिखूं, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ तो मैं सब में शुरू से इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐड कर दूँ, और वो बहुत ज़्यादा टीडियस होने वाला है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको इसमें इनक्लोज कर दूंगा। देखो, स्टार्टिंग मैंने किस चीज़ से करी, एंडिंग किस चीज़ से करी, ध्यान से देखना आप लोग। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट लिख सकता हूँ। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे स्टार्ट किया कमेंट अपना, कैसे एंड किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टी लाइन कमेंट किस तरह लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का, कि किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट करके अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, तब आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोलर फॉरवर्ड स्लैश दबा देना, तो वो सारी की सारी लाइंस जो हैं वो कमेंट हो जाएंगी, और वापस से आप कंट्रोलर फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो वो वापस से अनकमेंट हो जाएंगी। हालांकि ये सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रहा है, तो आप चाहें तो मैनुअली मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना अगर आप ऑटोमेटिकली अपने VS कोड से ही लाइंस को सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा रहे हो, तो आप यहाँ पर कमेंट लगा हटा सकते हो। मैंने कंट्रोल दबाकर स्लैश दबा रहा हूँ, वापस से आप लोगों को बताता हूँ, कंट्रोल स्लैश से मैं कमेंट इसको लगा पा रहा हूँ और हटा पा रहा हूँ। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये था हमारे कमेंट्स। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक वेरिएबल बना के बताता हूँ। मान लो int sum is equal to 6 मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या करेगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएगा जो कि एक इंटीजर है, और उसमें 6 स्टोर कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से सम लिखूंगा, तो ये सम जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, और मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो हेलो वर्ल्ड 6 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया सही से कि ये कैसे काम करता है, तो मैं कहूँगा कि अभी आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, हम लोग आगे अभी और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, और वहाँ पर क्लियरली समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अभी बस आप इतना समझो कि ये कमेंट हमने किस तरह से लिखे, और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो आपको ये समझनी है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, यानी कि एक कंटेनर के अंदर हमने 6 डाल दिया जो कि एक इंटीजर था, हमने इंटीजर कंटेनर बनाया और उसके अंदर एक इंटीजर डाल दिया, और वो डालने के बाद हमने क्या किया, सी आउट करके उसको प्रिंट किया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सी आउट होता है वो हमारा प्रिंट करने में सहायक होता है, तो हमने उसी को इस्तेमाल करके हेलो वर्ल्ड 6 अपनी स्क्रीन पर प्राप्त कर लिया।
सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जो प्लेलिस्ट है हमारे C++ प्रोग्रामिंग की, अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली उसको ज़रूर एक्सेस करें अभी के अभी। आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लें इस तरह से, और ये आपके यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सेव भी कर लें प्लेलिस्ट को। तो ऐसा करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप कभी भी क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी के साथ सर अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं कहूँगा इनको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, ऐसे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाता रहूँगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, आई होप कि सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।